बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बरकरार है, टीम में हार्दिक पांड्या भी मौजूद हैं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को उपकप्तान नहीं बनाया गया है, यानी हार्दिक पांड्या भी टी20 के उपकप्तान नहीं बनाए गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे ऋषभ पंत का नाम गायब है, जबकि आईपीएल में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले मयंक यादव को पहली बार मौका मिला है। भारतीय टीम में रवि विश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में 3 स्पिनर्स को शामिल किया गया है। सुंदर की बल्लेबाजी पर किसी को शक नहीं है, वो आईपीएल में आरसीबी के लिए भी कई मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नए चेहरे मयंक यादव के कंधों पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। इस टीम में टी20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का अहम हिस्सा रहे ऋषभ पंत का नाम नहीं है, हो सकता है कि उन्हें टेस्ट सीरीज के बाद आराम दिया गया हो। इसी बीच सेलेक्टर्स ने संजू सैमसन और जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है, दोनों प्लेयर्स पर खुद को साबित करने का दबाव होगा। आपको बता दें, टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जैसे धुरंधर खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है, न खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते ऐसा हुआ है। ये खिलाड़ी फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यस्त हैं। फिर इन खिलाड़ियों को 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। आपको बता दें, टीम में ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शिव अभिषेक शर्मा सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि उनके साथ टी20 सीरीज में ओपन कौन करेगा। ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल चूंकि टीम से नहीं है, ऐसे में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन को ओपन करना पड़ सकता है। संजू ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में सिर्फ 5 मैचों में ओपनिंग की है, जिसमें उन्होंने 77 रन बनाए हैं। अगर आपको बताएं कि भारतीय स्क्वाड क्या है, तो इसमें सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि विश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव को शामिल किया गया है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें क्रिकेट केसरी।